दोस्तों आओ आज मैं आपको बिना मेहनत किए पैसा कमाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। तो ये वीडियो में देखो 3.5 लाख व्यू आए हैं और ये एक स्टोरी वाला चैनल है, जैसे कि आप देख सकते हो अकबर बीरबल की कहानी है। तो इसमें 3.5 लाख व्यू आए हैं और वहां से मैंने कमाए हैं 25,000 रुपए। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है, पूरा का पूरा वीडियो AI से जनरेट हुआ है। कहानी जो इसके अंदर है वो मैंने AI से जनरेट किया है, AI के थ्रू ही मैंने वॉइस को कन्वर्ट किया है, मतलब टेक्स्ट टू वॉइस किया है, और उसके बाद मैंने उसको एडिट किया है और थंबनेल बना के मैंने डाल दिया है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो रिफ्रेश, ये रिफ्रेश हो गया, तो यहाँ पे आप अर्निंग देख सकते हैं। फिर सीधा सीधा मैं अर्निंग सेक्शन में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25,500 रुपए अभी तक अर्निंग हुआ है इस वीडियो से। तो ऐसी वीडियो बना के कैसे आप पैसा कमा सकते हो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो ऐसी वीडियो आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हो, बस आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला है स्टोरी ढूंढना, सेकंड है स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करना, थर्ड है उस वीडियो को एडिट करना, और फोर्थ है थंबनेल बनाना। बस आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना है जिससे आप 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसी वीडियो क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम स्टोरी ढूंढेंगे। अब देखो, स्टोरी ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपली ChatGPT में चले जाना और जाके यहाँ पे सिंपली आप नीचे लिख देना, जैसे कि मैं लिखता हूं अकबर बीरबल की कहानी, कहानियां, या फिर कहानी लिख देता हूं अकबर बीरबल की कहानी, और मैं यहां पे लिख दूंगा 3000 वर्ड का इन हिंदी। ठीक है, तो अब देखो कहानी चालू हो गया लिखना। तो इस तरीके से AI के जरिए आप कहानी लिखवा सकते हो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये धीरे धीरे पूरा कहानी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ऐसी आप कहानी जनरेट कर सकते हो। फिर मैं दूसरा कहानी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि कुछ कहानी पंचतंत्र लिखता हूँ। पंचतंत्र, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है बॉस। पंचतंत्र की कहानी 3000 वर्ड इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी आ गया। तो इतने ही इजीली आप एक कहानी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे आपको कितने 1000 वर्ड का कहानी चाहिए, उतने 1000 वर्ड का कहानी आ जाएगा। या फिर आप अगर कुछ ऐसा चैनल बनाना चाहते हो जहाँ पर आप इंग्लिश कहानी लिखो, तो यहाँ पे लिख सकते हो अकबर बीरबल इंग्लिश स्टोरी, तो यहाँ पे इंग्लिश में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही आसानी से आप एक स्टोरी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप जितने बार यहाँ पे रिफ्रेश करोगे उतना कहानी यहाँ पे आ जाएगा। तो जितनी कहानी उस चैनल में है सब मैंने ChatGPT के थ्रू ही बनाए हैं। ठीक है, तो इतना इजीली आप एक कहानी जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करें। तो देखो, उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है FlixClip। ठीक है, अब देखो ये जो है ये पेड है ना, मतलब मेरे पास तो पेड है, आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो। फ्री का जो वेबसाइट है वो आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है wait.io। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट मिल जाएगा फ्री में, तो आप फ्री का इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है FlixClip, तो इसके ज़रिए आप इस कहानी को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं, सिंपली चले जाऊंगा वेबसाइट में और यहाँ पे जाऊंगा टूल सेक्शन में। टूल सेक्शन में जाने के बाद आपको सिंपली करना है टेक्स्ट टू स्पीच में क्लिक। करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना अपना लैंग्वेज, जैसे कि मैं कर लेता हूँ हिंदी। देन यहाँ पे आपको दो वॉइस मिलेगा, एक हो गया फीमेल, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, दूसरा हो गया मेल, सिद्धार्थ नीतीश। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कर लेना इसको कॉपी। कॉपी करना तो आपको आता ही होगा, तो कॉपी करके सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, और करने के बाद हम कर देंगे सेव टू मीडिया। ठीक है, अब ये लॉगिंग मांग रहा है, तो लॉगिंग तो था मेरे, एक बार मैं लॉगिंग कर लेता हूँ। लॉगिंग हो गया, अब सिंपली इसको करना है हमको सेव। सिंपली हम इसको कर देते हैं सेव, और अब मैं आपको ये चालू करके सुना तो वॉइस कैसे कन्वर्ट हो गया देखो वॉइस। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से ये जो है टेक्स्ट टू स्पीच हो गया है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम वीडियो को एडिट करें। अब देखो, एडिट के लिए आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, बट मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ। उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने फिल्मोरा ओपन कर लिया और सिंपली उस वॉइस को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मैंने रखा था डेस्कटॉप में, सॉरी डाउनलोड सेक्शन में, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, इसके बीच में ना थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे देखो, ये देखो स्पेस है, जैसे ये थोड़ा सा बात हुआ लंबा स्पेस हो गया। तो क्या होता है इसमें ना, एक फंक्शन है, जैसे कि इसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे है साइलेंस डिटेक्शन। तो इसमें क्लिक करके सिंपली मैं कर दूंगा, आगे सिंपली करूंगा स्टार्ट में क्लिक। जैसे स्टार्ट में क्लिक करूंगा तो नीचे का, तो बीच का जितना साइलेंट मोड था सब कट चुका है। अब सिंपली मेरे को करना है एक्सपोर्ट टू टाइमलाइन। करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बीच का जितना साइलेंट जगह था वो कट चुका है। ठीक है, अच्छी दोस्ती थी,
बीरबल अपने चुप बन चुका है। अब इसको एडिट कैसे करना है, हमको करना है क्या, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक डालना है तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ऑलरेडी मैंने एक म्यूजिक यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ से ले लूंगा म्यूजिक और पीछे डाल दिया मैंने म्यूजिक डाल के, सिंपली पीछे से मैंने इसको हटा दिया और बैकग्राउंड म्यूजिक को मैंने कर दिया कम, -20 कर दूंगा। और अब क्या करना है, देखो ये हमारा रेडी हो गया। सम्मान के साथ जीवन बिताते थे, एक बार की बात है महाराज अकबर ने एक विशेष प्रकार का प्रश्न, ठीक है बढ़िया बन गया। अब हमको ऊपर में इमेज डालना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी डाल सकते हो, फिर इमेज उठा सकते हो। बेसिकली अकबर बीरबल में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे इमेजेस मैंने पहले से स्टॉक रखा हुआ है, जैसे मैं चले जाऊँगा, फिर बहुत सारे चैनल है ना, बहुत मैनेज करने में दिक्कत होता है, तो सिंपली मैं इमेज को ऐसे उठाता हूँ, उठा के सीधा मैं ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। स्लाइड शो टाइप से मेरा चलते रहता है ये, यहाँ पर डाल दूंगा मैं ट्रांजेक्शन, जल्दी से आ जाए ट्रांजेक्शन, मैं डाल दिया ट्रांजेक्शन और इसको मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब देखो जितने भी पूरा सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस चैनल शेयर नहीं करूँगा, ठीक है, चैनल का नाम शेयर नहीं करूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है बन के रेडी हो चुका है। महाराज उन्हें अपने सबसे करीबी सलाहकार और मनोरंजन करता मानते थे, बीरबल के साथ ही हो गया वीडियो अपने रेडी हो गया। अब सिंपली हमको करना है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद हमको आगे का प्रोसेस देखना है। अब वीडियो तो कंप्लीट हो गया है, बट इसके लिए हम थंबनेल कैसे बनाए वो देखते हैं। अब देखो आपको बनाना है थंबनेल, तो थंबनेल के लिए आप canva.com यूज कर सकते हो। सिंपली आपको canva.com में जाना है और सर्च सेक्शन में लिखना है थंबनेल, ठीक है, अभी इंग्लिश में मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, ओके, आपको लिखना है थंबनेल। तो यहाँ पे देखो YouTube थंबनेल लिखा है, सिंपली इसमें क्लिक करना और यहाँ पे ब्लैंक वाला आप ले लेना। लेने के बाद सिंपली आपको जाना है एलिमेंट में, एलिमेंट में जाओगे, यहाँ से आपको लेना है एक बॉक्स, ले लिया मैंने बॉक्स और इसको कर दिया मैंने ब्लैक। करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, हो गया। अब हमको लेना है अकबर बीरबल का एक फ़ोटो, तो उसके लिए मैंने पहले से एक लेके रखा था अपलोड सेक्शन में, तो मैं इसको ले लेता हूँ। और अब इसके बैकग्राउंड को हटाना है, तो उसके लिए हमको जाना है एडिट फोटो में और सिंपली बीजी रिमूव, इसमें हमको करना है क्लिक, जैसे किया तो बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। इसको मैं कर दूंगा फ्लिप और इसको कर दूंगा मैं जूम, ये हो गया जूम। और अब हमको इसके बैकग्राउंड में कुछ फोटोस लेना है, तो सिंपली हम जाएंगे फोटो सेक्शन में और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि स्काई हो गया, तो ये बहुत सारे स्काई आ गया, तो मैं स्काई ले लेता हूँ, बैकग्राउंड में आ गया स्काई। हमको जाना है पोजिशन में और लेयर में जाके इसको सबसे नीचे डाल देना है, तो ये नीचे आ गया। और अब हमको यहाँ लेना है टेक्स्ट, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट में क्लिक करना है और सिंपली ऐसे आप कोई भी एक टेक्स्ट ले सकते हो, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और इसको मैं कर दूंगा अभी वाइट, ताकि ये ऊपर दिखे, वाइट ले लिया। अब यहाँ पे मैं हिंदी में कुछ लिखता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे गूगल इनपुट करके टूल्स है, तो अभी यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियाँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा जूम। अब जूम करने के बाद ये थोड़ा दूर लग रहा है, तो उसके लिए हमको जाना है यहाँ पे और इसको कर देना थोड़ा सा स्पेस कम, स्पेस कम हो गया। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बड़ा कर दिया, ओके। अब सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ मैं कलर चेंज, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो, तो इसको मैं कर दूंगा येलो, ठीक है, येलो, ओके। सो हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो चुका है। कितना टाइम लगा थंबनेल बनाने में, ऑलमोस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर एक थंबनेल रेडी हो गया। अब ये चीज़ें मैंने काफ़ी स्पीड से किया है, बट आपको टाइम लगेगा। अब देखो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए चीज़ें स्पीड हो गई है, ठीक है। और एक वीडियो बना, मतलब एक वीडियो रेडी करने में ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट का काम है, उसके अंदर अंदर एक वीडियो रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आसान है एक वीडियो क्रिएट करना। सो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपका मन है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे एक और एक चैनल है जिसका नाम है LWP यानी लर्न विद प्रकाश, वहाँ पे मैं कुछ नई नई चीज़ें सिखाता हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाजू में आपको दोनों चैनल दिख जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ ये बाजू वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।